अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद एन अदर व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, उमरे के आने की खुशी में हमारी फैमिली ने हमारी दावत कर दी, तो हम आ गए गोल्डन रेस्टोरेंट एंड शिनवारी। सो गाइस, इसकी लोकेशन है गुलबर्ग 3 में। यहाँ पे स्पेशल जो है वो बारबेक्यू तैयार किया जाता है विथ कढ़ाई गोश्त। आए हम आपको दिखाते हैं ये प्यारे से बारबेक्यू। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा इस वक्त, मैं जानता हूँ, क्योंकि खाने का ही टाइम है। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ की जो है सर्विंग, यहाँ की जो है फ्रेश मटन और फ्रेश जो है चिकन यहाँ पे ज़िबा करके आपको उसकी बेहतरीन कढ़ाइयाँ दी जाती हैं। यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है और अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इन लोगों से जो है वो इसको सिर्फ देखा, बात बात नहीं की, क्योंकि मैं फूड व्लॉगर तो हूँ नहीं जो मैं इनसे बैठ के रेसिपी वगैरह पूछता, लेकिन थोड़ा बहुत वीडियो बनाई क्योंकि दिखाना ज़रूरी था कि हम कहाँ आए हैं और क्या खाया है। यहाँ पर तवा फ्राई भी था, तवे पे जो है वो ये लोग टिक्का बना के देते हैं, और दिन के अंदर यहाँ पे खाना भी मिलता है, जैसे खाने में मिक्स सब्ज़ी वगैरह, दाल भाजी, हलीम और एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये भी चीज़ अवेलेबल है। और सबसे मज़ेदार बात, यहाँ पे फ्रेश नान, फ्रेश खमीरी रोटी और फ्रेश रोटी जो तंदूरी रोटी होती है वो भी अवेलेबल है। ये देखें, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ साथ साथ कि इनके अपने तंदूर हैं, तो कहीं जा के नान पकड़ने की इनको ज़रूरत नहीं है, यहीं पे इनका प्रॉपर सेटअप है। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इनका कढ़ाई का जायका और बारबेक्यू बहुत ही डिलीशियस था। और हम यहाँ पे आए, हमें बहुत मज़ा आया और बहुत ही रीज़नेबल था। इनका सैलड भी बहुत अच्छा तैयार किया जाता है, डेकोरेट अच्छा किया जाता है। ये देखें, ये मेन्यू है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। एक नॉर्मल जो है यहाँ पे बजट में आप लोग आके आप ये खा सकते हैं और ज़्यादा कोई बिल भी नहीं आता। सो कम खर्च वाराणसी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मज़ेदार जो है खानों की, दावतों की, ट्रैवल्स की और घूमने फिरने की जगहें हमारे साथ एंजॉय करें। थैंक यू।